वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकवॉक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की, एक तरफ है Realme की फर्स्ट जनरेशन वॉच और एक तरफ है Wickfit Max की। रिसेंटली में लॉन्च हुई है Wickfit Max और अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 2 to 3 डे से यूज़ कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर मैं Realme की बात करूँ जो फर्स्ट जनरेशन है, इसको करीब करीब मैं 1 ईयर से ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक कोई इशू नहीं आया इस वॉच में। देखेंगे कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर है। अगर आपको फिटनेस वॉच लेनी है तो डायरेक्टली आप Realme की वॉच ले सकते हो, बट अगर आपको कॉलिंग वॉच चाहिए तो आप पूरा का पूरा जो वीडियो है, रिव्यू है, दोनों का कंपैरिजन है, आप देख सकते हो। अगर अभी तक आपने Wickfit Max की अनबॉक्सिंग या टोटल पूरा रिव्यू नहीं देखा है, डीप डाउन रिव्यू, तो आपको कार्ट में लिंक मिल जाएगी, वहां से आके आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में ऑल एंड ऑल दोनों ही वॉच अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं, बट यहाँ पे एल्युमिनियम और पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया है दोनों ही वॉचेस के मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब यहाँ पे एक तरफ पॉलीकार्बोनेट की वॉच मिलती है और एक तरफ आपको एल्युमिनियम बिल्ड मिलती है। तो यहाँ पे पीछे की साइड अगर हम देखें, यहाँ पे हार्ट रेट स्कैनर SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको हार्ट रेट SpO2 साथ में BP मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि Realme में मिसिंग है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बॉडी की, यहाँ पे बॉडी कहीं ना कहीं डिफरेंस के साथ आती है। यहाँ पे Wickfit Max में आपको एल्युमिनियम एलॉय की बॉडी मिलती है और Realme में आपको पॉलीकार्बोनेट का पैनल मिलता है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है थोड़ी सी अच्छी खासी प्रीमियम लगती है। बट यहाँ पे Wickfit Max भी पीछे नहीं है, यहाँ पे ये भी प्रीमियम वॉच लगती है ऑल एंड ऑल। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो पावर बटन है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर की साइड निकला हुआ है, बट यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए ये जो बॉडी का पार्ट है इधर की साइड इसको फ्लश किया गया है। ऑन द अदर हैंड Realme में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, जो पावर बटन है बॉडी के साथ ही पूरा फ्लश है, तो ये प्लस पॉइंट मिलता है आपको। अब हम बात करें ज़्यादा प्रीमियम ऑल एंड ऑल मेरे को Wickfit Max लगी एज कम्पेयर टू Realme। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो जैसे आप टिल्ट करते हो थोड़ा सा यहाँ पे Wickfit Max में डिस्प्ले थोड़ी सी वॉश आउट हो गई है, बट यहाँ पे Realme में प्रॉपर विजिबल है एक एंगल पे जैसे आप टिल्ट करते हो, क्योंकि यही कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है एक IPS डिस्प्ले का, IPS LCD डिस्प्ले का, और एक ये डिफरेंस होता है TFT और IPS डिस्प्ले का, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं सारे के सारे फीचर्स फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे जैसे आप ऊपर से स्वाइप करते हो Wickfit में आपको मेन्यू मिल जाता है, Realme में आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है आपको मेन्यू मिल जाता है, टॉगल मिल जाता है। यहाँ पे D&D मोड है, साथ में रेस टू वेक है, यहाँ पे आपका ब्राइटनेस कंट्रोल है और यहाँ पे जो बैटरी सेवर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे Wickfit Max की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको D&D मोड मिलता है, थिएटर मोड मिलता है जहाँ पे आपकी बैटरी बचाएगा, और यहाँ पे एक आपको डेडिकेटेड टॉर्च मोड मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो यहाँ से हनीकॉम, या फिर आपको लिस्ट स्टाइल करनी है तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। और उसी के साथ साथ जहाँ पे अगर आपको मेन मेन्यू में जाना है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, Realme में आपको नीचे की साइड से ऊपर को स्वाइप करना है और Wickfit में आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है, यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा, ये सारे के सारे मेन्यू है। तो यहाँ पे एक बार स्पीड चेक कर लेते हैं कितनी किसकी ज़्यादा स्पीड है। यहाँ पे आप देख सकते हो Wickfit Max थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूड नज़र आती है एज कम्पेयर टू Realme। Realme की थोड़ी सी यहाँ पे स्टटर करती है, बट यहाँ पे Wickfit Max की कुछ ज़्यादा ही फ्लूड है, क्योंकि इसमें MediaTek का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, Realme में Realme की R1 चिप यूज़ करी गई है, तो थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं नज़र आता है यहाँ पे स्क्रोलिंग में। और यहाँ पे UI की अगर हम बात करें तो ज़्यादा यहाँ पे मेरे को पॉलिश्ड और ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हुआ Realme का एज़ कम्पेयर टू Wickfit। Wickfit का थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा चाइनीज़ टाइप का यहाँ पे लुक आ रहा है, बट यहाँ पे Realme में आपको जितने भी फॉन्ट्स मिलते हैं थोड़े से प्रोफेशनल नज़र आते हैं और थोड़े से छोटे हैं, इस वजह से इसमें सारे के सारे जो मैसेजेस हैं वो फिट हो जाते हैं। और यहाँ पे हिंदी भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे अगर मैं हिंदी की बात करूँ यहाँ पे सपोर्ट करता है बट प्रॉपर आपको नहीं दिख पाता है Wickfit में, बट यहाँ पे Realme में आपको प्रॉपर हिंदी में भी मैसेज आएंगे तो आप रिसीव कर सकते हो, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस मिलता है देखने को दोनों ही वॉचेज़ में। अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स एंड फंक्शंस की। तो यहाँ पे जैसे आप स्वाइप करते हो राइट साइड में, यहाँ पे आपको जो सारे के सारे शॉर्टकट्स मेन्यूज़ हैं वो मिल जाते हैं, और Realme में भी जैसे आप राइट में स्वाइप करते हो यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यूज़ आपको मिल जाते हैं, इस तरीके से वापस से टॉगल पे चला जाता है, और ऊपर की साइड से स्वाइप करते हो तो यहाँ पे टॉगल मिलता है, यहाँ पे आपको मैसेजेस दिखा देता है, और नीचे की साइड से स्वाइप करने पे यहाँ पे मैसेज दिखाता है, और यहाँ पे Realme में आपको सारे के सारे फीचर्स दिखा देता है। तो हम चलते हैं अपने फीचर्स पे और एक एक करके फीचर्स को जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है स्पोर्ट्स मोड में, यहाँ पे वर्कआउट मोड्स हैं। स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखाएगा इसके, जैसे कि जो वर्कआउट डाटा होता है आपका वो सारा दिखाएगा, बट यहाँ पे Realme में आपको वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं। 14 आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलती है, यहाँ पे आउटडोर रन है, वॉकिंग है, रनिंग है, इंडोर रन है, और एरोबिक कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, और साथ में यहाँ पे बैडमिंटन, इंडोर साइकिलिंग, इलेप्टिकल, योगा, क्रिकेट, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एज कम्पेयर टू Wickfit में आपको सिर्फ 10 स्पोर्ट्स मोड ही मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। ट्रेनिंग मोड में आप जाते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में आपको मिल जाते हैं वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, बट यहाँ पे स्विमिंग आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते हो, डीप वाटर में लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये IP67 ही है, IP68 वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये भी आपको माइंड रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे वापस चलते हैं और यहाँ पे हम आते हैं अपने
और अदर फीचर्स पे। यहाँ पे एस पी ओ टू की बात करें तो यहाँ पे एस पी ओ टू मोटर मिलता है, और यहाँ पे भी आपको ब्लड में ऑक्सीजन कितना है उसका आपको यहाँ पे मेजर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक दूसरे का हम चेक कर लेते हैं क्या किस तरीके से मिलता है। मैं इसको पहन लेता हूँ फिर हम आते हैं वापस से। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों ही वॉचेस को पहन लिया है, और कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस इस तरीके से लगती हैं। मीडियम साइज़ है आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों का ही जो स्ट्रैप साइज़ है वो 20 mm है। तो आप इंटरचेंजेबल कर सकते हो, दोनों का स्ट्रैप आप चेंज कर सकते हो। रियलमी का भी लगा सकते हो विकफिट में, और विकफिट का भी रियलमी में लगा सकते हो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एस पी ओ टू मॉनिटर की, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खोलूँगा एस पी ओ टू, और यहाँ पे भी रियलमी में भी खोल लेते हैं एस पी ओ टू। यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे दोनों में मेजर होना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं पहले कौन सा बताया था। यहाँ पे आई गेस 20 सेकंड्स या 25 सेकंड्स का टाइम लेगा। तो यहाँ पे विकफिट ने पहले बता दिया 97 जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो दिखा रहा है, और यहाँ पे रियलमी ने बताया 98। तो इस तरीके से आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट रेट की, वापस से चलते हैं यहाँ पे। हार्ट रेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें भी हम हार्ट रेट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे हार्ट रेट, और यहाँ पे मेजर हार्ट रेट। तो यहाँ पे मेजर पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मेजर पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। यहाँ पे रियलमी ने बता दिया है 82%, और यहाँ पे भी 81। तो एग्जैक्टली सिमिलर ही बता रहा है, तो दोनों का कहीं ना कहीं सिमिलर ही परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा बस 1-2% का अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई गेस दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडेड फीचर है जो कि आपको अवेलेबल नहीं है रियलमी वॉच में, वो है आपका बीपी मॉनिटर। तो ये बीपी मॉनिटर रियलमी में अवेलेबल नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी आई गेस 20-25 सेकंड्स लेने वाला है ये, और यहाँ पे आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75/120 यहाँ पे बता दिया इसने। तो इस तरीके से आपको मिलता है। और भी फीचर्स एंड फंक्शंस को देख लेते हैं यहाँ पे। नीचे थोड़ा सा हम जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मोड के बाद फ़ोन मिलता है डायरेक्टली, आप यहाँ से फ़ोन मिला सकते हो, यहाँ पे सॉन्ग्स भी सुन सकते हो डायरेक्टली। और उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिलता है, SPO2, वेदर मिलता है यहाँ पे, और रियलमी में आपको एक्टिविटी ट्रैकर मिलता है, स्लीप मॉनिटर मिलता है, म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, कैमरा शटर बटन मिलता है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे मेडिटेशन मिल जाता है आपको, अलार्म और स्टॉपवॉच भी अवेलेबल है, वेदर भी है। और ये सारे के सारे फीचर्स आपको विकफिट में ही मिलते हैं, बट विकफिट में आपका फाइंड माई फोन का ऑप्शन इसमें नहीं है वॉच में। आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आप वॉच को फाइंड कर सकते हो, बट फोन को वॉच से फाइंड नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें एक फीचर मिसिंग है जो कि रियलमी में अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात करें तो काउंटडाउन टाइमर यहाँ भी मिल जाता है, और फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलता है एडेड विकफिट में, जो कि रियलमी में मिसिंग है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अदर्स में सेटिंग्स आ जाता है, और रियलमी में भी यहाँ पे सेटिंग्स आ जाता है। सेटिंग्स में जाते ही जैसे ही आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का मोड मिलता है आपको, थिएटर मोड मिलता है, वॉच डायल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, रीसेट का ऑप्शन मिलता है, पावर ऑफ क्यूआर कोड, अबाउट दैट्स इट। विकफिट में इतने ही फीचर मिलते हैं, और यहाँ पे रियलमी में आपको एडेड फीचर मिलते हैं। कस्टम में जाते हो यहाँ पे स्क्रीन वेक ऑन ऑफ करना है ये मिल जाता है आपको, कंटिन्यूस हार्ट रेट आपको ऑन करना है ये मिल जाता है आपको, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो वॉच में से ही। जनरल में आप जाते हो यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 100 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कितनी रखनी है, लो मीडियम हाई, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे वो मिसिंग है विकफिट में, और पावर सेविंग मोड भी आपको मिल जाता है जो कि विकफिट में भी अवेलेबल है। सिस्टम में जाते ही आप रिस्टार्ट मोड मिलता है आपको, पावर ऑफ मिलता है, रीसेट मिलता है, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि यहाँ पे विकफिट में भी अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं दोनों में ही। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप चेक करो तो Realme की फर्स्ट जनरेशन वॉच है आपको अप्रॉक्सीमेटली 3400-3500 रुपीस की मिलेगी, और Amazon पे भी Flipkart पे भी। बट अगर आप मेरी दी हुई लिंक से लोगे तो आपको आई गेस 2800-2900 रुपीस में आपको मिल जाएगी ये Realme की वॉच। और यहाँ पे अगर हम बात करें विकफिट की, विकफिट का जो लॉन्च प्राइस है वो ही 4200-4300 रुपीस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस डिफरेंस, इसीलिए यहाँ पे कॉलिंग वॉच मिलती है एक तरफ आपको, फिटनेस वॉच मिलती है, और यहाँ पे कॉलिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर वॉचेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आप फिटनेस फ्री को तो रियलमी की वॉच ज़्यादा बेटर रहेगी आपको। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा रियलमी की वॉच एज कम्पेयर टू विकफिट, क्योंकि विकफिट में कहीं ना कहीं थोड़े से फ्लॉज हैं जो कि रियलमी में नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई गेस आप सभी को सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और इस तरीके की डिटेल डीप डाउन रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।